गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और आप देख रहे हैं गिरधर वाटी का यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ शिव प्रकाश, आपका दोस्त। और फिर एक बार हाजिर हूँ आपके लिए किचन गार्डन से रिलेटेड वीडियो लेकर के। और आप जैसा कि देख सकते हैं, बगल में हमारा गुलदावरी का प्लांट लगा हुआ है, जो पूरा नर्सरी एरिया है हमारा। नर्सरी, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर नर्सरी तैयार करते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई देते हैं। खैर, वो अलग चीज़ है। फिलहाल में हम मेन टॉपिक पर आते हैं यहाँ पर। तो जी, जो हमारी इतना था स्पेस खाली हो गया था, ये जो प्लांट हमारे अभी हमने यहाँ से उखाड़ के जम्मू के लिए भेज दिए थे पार्सल तैयार करके, और जो पौधा हमारा जम्मू गया है, अभी इतना पौधा और हमारे पास स्टॉक में है। तो जी, जो जगह खाली हो गई थी, हम इसका यूज करना चाहते हैं, क्योंकि 10-12 दिन में मेथी की हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो मेथी का सीड्स अब अभी हम लेकर के आए हैं मार्केट से, और इसको इस पंजी की हेल्प से इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे, भुरभुरा इसको करके, तैयार करके, और इसमें सीड्स डालते हैं, और फिर इसमें मेथी, हरी मेथी, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ही हाई लेवल का भाव चल रहा है उसका, क्योंकि शुरुआत है अभी। नया नया मेथी मार्केट में आता है तो बहुत ही तेज़ी से बिकता है, 200 रुपये केजी कम से कम स्टार्टिंग भाव उसका रहता है। और इस तरीके से हमने ये जगह को रेडी कर लिया है। ये जो हमारा टूल है, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से हमने इसको बेल्डर से बनवाया है। ऑनलाइन पे भी आप मंगवा सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं रहता है उसमें, शायद मैं समझता हूँ 3 या 4-5 पंजी जो भी रहते हैं, लेकिन हम बड़े आसानी से बेल्डर से इसको बनवा सकते हैं। और कहीं गली मोहल्ले में, आपके कॉलोनी वगैरह में बेल्डर तो होता ही है, आसपास दुकान, वहाँ से आप इस तरीके का उसको बता के और ऑर्डर से बनवा सकते हो। 150 रुपये में बड़े आसानी से बन जाएगा। इतने सरिया अरिये के टुकड़े आपके घरों में भी पड़े रहते हैं, इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। देखिए कितना अच्छे से जगह जो है रेडी हो गया। और ये जो सीड्स है, मेथी का सीड्स, लगभग 100 रुपये केजी के आसपास आपको मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं, आप देख सकते हैं, क्लीन है एकदम, कोई कचरा कूड़ा करकट नहीं है, एक समान दाना है। तो अभी हम कुछ थोड़ा सा सीड्स लेंगे, जगह के हिसाब से हमको ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरीके से हम इसमें छिटक के एक समान दूरी पर डाल देंगे। और ये कला होती है दोस्तों, सीड्स को एक समान दूरी से, एक समान डिस्टेंस के साथ छिटकना। जब ये जर्मिनेट होगा तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से, कितने डिस्टेंस के साथ जर्मिनेट होता है। आप भी प्रयास करें कि एक निश्चित डिस्टेंस के साथ ये सीड्स जमीन पर गिरे, और एक निश्चित डिस्टेंस के साथ जर्मिनेट हो। ये देखिए, हमने प्रॉपरली काफ़ी मात्रा में यहाँ सीड्स डाल दिया है, और अभी इस पंजी की हेल्प से ही हम इसमें मिट्टी में मिला देंगे, जिससे कि जर्मिनेशन का रिजल्ट जो है अच्छा आए। तो इसको हम जर्मिनेट करने के बाद किस तरीके से इसकी केयर करते हैं, और किस तरीके से इसको हार्वेस्टिंग लेवल तक हम ग्रो करते हैं, पूरा आपको आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को, यानी कि जो गिरधर वाटी का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को और पर प्रेस कर लें, और हमें इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, तो उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और हम घरों में फालतू बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के और हम भी इस तरीके के छोटे मोटे काम करके और अपने लिए सब्जियां, हरी सब्जियां तैयार कर सकते हैं। सभी के मकान के पास थोड़ी बहुत जगह तो रहती है, छतों पर थोड़ा बहुत मिट्टी डाल के हम कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, हमने सीड्स को स्पंजी की हेल्प से मिला दिया है, और पानी डालने के बाद जर्मिनेशन का इंतजार करेंगे। उसके लिए हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जर्मिनेशन होता है। तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर दबा लिए होंगे। नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, नहीं किया है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों। और नहीं करना है तो आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे भी आपने हमारा ये वीडियो देख लिया है तो अगला वीडियो आपको सही सेट में मिल जाएगा, और हम मिलेंगे आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।